हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेन। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने कई बार मैसेज करके ये पूछा कि सर क्या एग्ज़ाम 27 मई को होगा कि नहीं। कई सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम 27 को एग्ज़ाम मान के चलें कि ना मान के चलें। तो उस संबंधी मैंने आंसर तो नहीं दिया चूँकि उसके कोई प्रमाणिक हमारे पास सबूत नहीं थे कि एग्ज़ाम हुआ कि नहीं। लेकिन जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से काफ़ी हद तक क्लियर होगा, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि एग्ज़ाम 27 को पॉसिबल है कि नहीं, और जो भी कंफ्यूजन है वो कैसे ख़त्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेट होते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन के टच में नहीं रहेंगे तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो कंडीशन बनी हुई एग्ज़ाम को लेकर के, आप सभी जानते हैं कि अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि प्रिडिक्शन कर दी जाए कि हाँ एग्ज़ाम 27 को होना ही है, और हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन जो आज की न्यूज़ है, अगर उस पर हम एक नज़र डालें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो ये न्यूज़ अभी नेट पे मिल रही है, सैटरडे 19 मई 2018 आज है, आज की डेट है। तो ये न्यूज़ मिली कि ये जो वैकेंसी है पर एसटे का मैटर परसों पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट। कारण जो है टेट 2070 रिवाइज एसएलपी है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है, इसका जो स्टे मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, और परसों यानी कि 21 मई को चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो रिजवान ने शिक्षा मित्रों के साथ, जिनके संगठन का एक अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है, दोबारा से जो है एसएलपी फाइल कर दिया है, एसएलपी उन्होंने फाइल कर दिया है और उन्हें ये डायरी नंबर मिला हुआ है, और याचिका जो है अर्जेंसी के एफिडेविट के साथ फाइल की गई है। जो केस मतलब कि ये जब दोपहर की न्यूज़ है, कह रहे हैं फाइल होंगी, वो अर्जेंसी एक्सेप्ट होने पर मंडे यानी कि 21/5 को लिस्ट होंगे, और इनकी याचिका इस डेडलाइन से 1 घंटे पहले फाइल हुई है। तो फ्रेश अर्जेंट मैटर को मंडे को सुना जाना है, अतः अर्जेंसी एक्सेप्ट होने पर मैटर मंडे को लिस्ट हो जाएगा। यह केस जस्टिस खानविलकर और नवीन सिन्हा की खंडपीठ में लिस्ट होगा। फिर बता रहे हैं कि पिछली बार इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पर बहस कराई इन जस्टिस ने, और पुष्कर मेला राजस्थान में ये जो एक क्वेश्चन था विवादित, इसको यहाँ से विवादित कहा गया, लेकिन ये सोचा गया कि नहीं विवादित नहीं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इसलिए जो है अनहोनी को भापते हुए एसएलपी वापस ले ली गई थी। जो अभी कहा गया कि इनकी जो याचिका खारिज कर दी, कि उस संदर्भ में थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो उस पर बहस होगी कि यदि एक्सपर्ट कमेटी के आंसर्स की ऑथेंटिसिटी पर बहस होती तो परिणाम दूसरे हो सकते हैं, यानी कि जो आंसर्स की बात की गई कि आंसर सही नहीं दिए गए हैं, आंसर नहीं दिए गए हैं, तो उसके ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे तो फिर परिणाम कुछ और हो सकते हैं। अब क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी इशारों में बातें हो रही हैं, तो आपको समझना होगा। और क्योंकि इन्होंने UPSC का भी हवाला दिया हुआ है कि कोर्ट ने आयोग की उस दलील पर असहमत जताई थी जिसमें कहा गया था कि 24 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकती। तो एक तरह से इन्होंने कुछ बैकग्राउंड में आपको इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की कि क्या एक ट्रेंड है, क्या आउटलुक कोर्ट का है, वो क्या चाह रही है, कैसा किन बेसिस पे डिसीजन ले सकती है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 21 को जो इनके द्वारा रिट फाइल हुई है, इस पे सुनवाई होगी, और इस रिट में अगर थोड़ी भी सफलता मिलती है तो एग्ज़ाम पे स्टे होने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा इस न्यूज़ का कहना है। और आप जानते हैं कि सरकार ने अभी कल ही 27 मई को एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी जो है संशोधित नियमावली जारी कर दी है। तो सरकार तो चाह रही है कि 100% एग्ज़ाम को सकुशल निपटाना है, लेकिन जो याचिका दायर करने वाले दोस्त हैं वो अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उनका प्रयास है कि जो भी चीज़ें, जो विकृत विसंगतियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए और उनका हक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार और कैंडिडेट की लड़ाई है, तो काफ़ी ये कह सकते हैं क्रिकेट की वजह से काफ़ी कांटे का मैच है, और देखना है कि क्या होता है। एक संभावनाओं पे टिका हुआ ये एग्ज़ाम है, और इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि लास्ट बॉल पे भी छक्का लग सकता है। तो पलड़ा किसी का भारी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कि 21 को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो अब ऐसी स्थिति में कि मैं क्या जवाब दूँ? आप लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं, अब यहाँ पे मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो बस इतना सा मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि इस तरह के से ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही हैं, तो उनको देखते हुए आप खुद डिसाइड करिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और हम तो शुरू से हर वीडियो में यही कहते हैं कि आप एग्ज़ाम को मान के चलिए कि 27 को एग्ज़ाम है, और सब कुछ आप अपने माइंड से हटा करके अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 27 को एग्ज़ाम मान के चलिए। और इस तरह की जो है मैसेज के पीछे मत भागिए कि खबर के पीछे कि एग्ज़ाम है कि नहीं, एग्ज़ाम है 27 को, ये आप अपने आपको समझा के चलिए और प्रिपरेशन पे लगे रहिए। बाकी न्यूज़ जो भी होंगी मैं अपडेट करता रहूँगा कोई वैसी न्यूज़ आएगी तो। लेकिन अब एग्ज़ाम संबंधी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैसेज ना करें व्हाट्सएप पर, और अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, एग्ज़ाम 27 को ही मान के चलें क्योंकि सरकार ऐसा कराना चाह रही है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें, आप एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करें, अपनी जॉब सिक्योर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।